नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। छात्रों, आज शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की जिसका नाम है वैद्युत रसायन चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। छात्रों, अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको अच्छे नोट्स बना करके प्रत्येक चैप्टर्स के देते रहूँगा, ऐसे ही लिख करके आपको बोर्ड के माध्यम से देता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा। आप अपनी कापी में इन नोट्स को ऐसे ही लिख लीजिए, इससे बेटर नोट्स आपको कहीं पर भी छात्र नहीं मिलेंगे। इन नोट्स में मैंने अच्छे से सब कुछ समझाने की कोशिश की है छात्रों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ छात्रों बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की आज वैद्युत रसायन। बात करते हैं कि वैद्युत रसायन है क्या। छात्रों, वैद्युत रसायन ये दो वर्डों से मिलकर के बना है, वैद्युत और रसायन। इसका मतलब इसी में काफ़ी कुछ छिपा हुआ है छात्रों, इसकी परिभाषा। जैसे विद्युत रसायन क्या है, विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है या रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, वैद्युत रसायन कहलाता है। छात्रों, जब हम रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे होते हैं तो वो रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती हैं, यानी स्वतः संपन्न होने वाली रिएक्शंस होती हैं। लेकिन जब हम विद्युत ऊर्जा देकर के रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं तो ये अभिक्रियाएं जो होती हैं वो मुख्यतः सामान्यतः नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, स्वतः संपन्न नहीं होती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने जोड़ करके एक उचित डिफिनेशन आपके लिए दी है छात्रों, जरा समझने की कोशिश करें कि वैद्युत रसायन की डिफिनेशन क्या है। स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी जो स्वयं अभिक्रियाएं संपन्न हो जाएं, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस से विद्युत उत्पादन, यानी स्वतः प्रवर्तित रासायनिक क्रियाओं से विद्युत उत्पादन एवं विद्युत ऊर्जा द्वारा होने वाले स्वतः अपरिवर्तित, यानी जो रिएक्शंस नहीं होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, अपरिवर्तित स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन वैद्युत रसायन कहलाता है। तो आपको इसमें समझ में आ गया है कि वैद्युत रसायन क्या है। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ टर्म्स छात्रों, ये जानने बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। छात्रों, यदि किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ उस विलयन के सापेक्ष धन या ऋण आवेश हो जाती है और विलयन में उतना ही अपोजिट आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी छड़ों को हम छात्रों कहते हैं इलेक्ट्रोड। यह वही हमने छात्रों यहाँ लिखने की कोशिश की है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋण या धन आवेश आ जाता है, जबकि विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड सेलों में इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं छात्र, दो प्रकार के, एनोड और कैथोड। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जिन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है वो एनोड कहलाते हैं और जिन इलेक्ट्रोडों पर अपचयन क्रिया होती है वो कैथोड कहलाते हैं। हम समझाने के तौर पर छात्रों ये बात करना चाहते हैं कि किसी धातु को लवण में डुबोया जाता है धातु पर ऋण या धनावेश क्यों आ जाता है और उसके विपरीत विलयन में विपरीत आवेश क्यों उत्पन्न हो जाता है, जरा समझने की कोशिश करिए। आइए छात्रों उदाहरण देते हैं इसका, समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए ये एक पात्र लिया मैंने, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन घुला हुआ है, ये जलीय विलयन जिंक सल्फेट का इसमें है, ठीक। और इसी में मैंने जिंक के, हमने कहा कि किसी धातु की उस छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, तो ये लवण है इसका विलयन है, यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन है ये, और इसमें हमने जिंक की छड़ डाल दी। अब होता क्या है, ये जिंक छड़ है, थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप समझने की कोशिश करें। इसके जिनके जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जिनके मानक अपचयन विभव कम ऋणात्मक या अधिक पॉजिटिव धनात्मक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। होता क्या है, जैसे इनके मानक अपचयन जैसे जिंक है, जिंक का मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होता है, तो ये छड़ जब हम जिंक सल्फेट में डुबोएंगे तो जिंक आयन, ये इलेक्ट्रोड का जिंक जो है जिंक आयन प्लस टू इलेक्ट्रॉन में विखंडित हो जाएगा और जिंक इससे जिंक आयनों के रूप में इसमें आ जाएगी, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं ये आपके इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश आ जाएगा, ये हम ऋणावेश बता रहे हैं छात्रों, ये ऋणावेश आ जाएगा। और
और जबकि इसके विपरीत जिंक आयन विलयन में आ गया है, तो जिंक आयन आने के कारण इसके विलयन में धनावेश आ जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ, अर्थात जिंक इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो जाती है और विलयन उसका धनावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से एक आवेश का सेपरेशन हो जाता है इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य। दूसरा, अगर हम बात यहीं पर संक्षेप में कर लेते हैं कॉपर के परिप्रेक्ष्य में, छात्रों जैसे हम कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को अगर डिबोते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को हम रखते हैं, तो कॉपर क्या होता है कि कॉपर आयन जो इसमें हैं, कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन है, ये इस पर आ जाते हैं कॉपर, तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर आ जाते हैं कॉपर आयन, तो ये क्या है, धनावेशित हो जाता है, आने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर के वो अपचयित होने की कोशिश करते हैं, इसलिए धनावेशित हो जाता है इलेक्ट्रोड। और इसके चारों ओर सल्फेट आयन के कारण, सल्फेट आयन ऋणावेशित होते हैं, सल्फेट आयन इसके चारों ओर विलयन में हो जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ये ऋणावेशित विलयन हो जाता है। अर्थात यहाँ पर विलयन ऋणावेशित हो जाता है, ये कॉपर है, कॉपर को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कॉपर छड़ धनावेशित हो जाती है, जबकि कॉपर का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन ऋणावेशित होता है, जबकि जिंक में इसके विपरीत होता है। तो ये इस प्रकार की छड़ों को हम क्या कहते हैं छात्रों, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अर्थात जब हम किसी छड़ को किसी लवण के विलयन में डुबोते हैं तो उनमें छड़ धन या ऋणावेशित हो जाते हैं, विलयन में इसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड व कैथोड। यहाँ पर जिंक एनोड की तरह कर रहा है, क्यों, जिंक का जिंक आयनों में ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ कॉपर कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, क्यों, कॉपर कॉपर आयनों का अपचयन हो रहा है, तो अपचयन जिस पर होता है वह कैथोड होते हैं। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं छात्रों इलेक्ट्रोड विभव, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। आपने देखा आप आवेशों का सेपरेशन हो गया, जब आवेशों का सेपरेशन हो जाता है किसी धातु को उसी लवण के विलयन में डुबोने पर, तो इन विलयनों और छड़ों के बीच विपरीत विभव उत्पन्न हो जाते हैं। अगर छड़ ऋणावेशित है तो इस पर ऋण विभव उत्पन्न हो जाएगा, और विलयन में विपरीत धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाएगा। और इन दोनों विभवों के अंतर, अर्थात छड़ और विलयन के विभवों के अंतर को हम उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं छात्रों। वही चीज यहाँ पर लिखी है, ज्यादा समझने को, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर इस पर ऋण या धनावेश आ जाता है, जैसे हमने दिखाया ऋण और धनावेश आ जाता है, जिस कारण छड़ पर ऋण या धन विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। अगर छड़ पर ऋणावेश है तो ऋण विभव उत्पन्न हो जाएगा, छड़ पर धनावेश है तो धन विभव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक, उत्पन्न हो जाता है। जबकि विलयन पर विपरीत आवेश होने के कारण विपरीत विभव उत्पन्न होता है, विलयन पर विपरीत विभव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार धातु की छड़ एवं विलयन के मध्य विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। यानी अब इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड और विलयन, यानी छड़ व विलयन के विभवों के अंतर को हम उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव या उस अर्ध अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं छात्रों, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कब होता है, जब किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही हो तो उत्पन्न विभवांतर को हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे Em2Mn आयनों से व्यक्त करते हैं, मेटल आयनों पर परिवर्तित हो रहा है, अर्थात मेटल का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसलिए इस तरीके से व्यक्त किया जाता है छात्रों। वही चीज यहां पर हमने लिखने की हुई है, तो इसे Em2Mn आयनों से व्यक्त करते हैं। जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा होता है तो उत्पन्न विभवांतर को हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे अपचयन के परिप्रेक्ष्य में लिखा जाएगा, अर्थात Em+2M, यानी मेटल आयन से मेटल की ओर हम इसे लिखेंगे, व्यक्त करते हैं। तो ये छात्रों हो गए आपका इलेक्ट्रोड विभव व इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। जैसे यहाँ आपने इलेक्ट्रोड पढ़ा, इलेक्ट्रोड के प्रकार पढ़ लिए, यहाँ इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार पढ़ लिए। अब बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का है, सेम वही परिभाषा है, कोई अंतर नहीं छात्रों। यदि हम विलयन जिसमें हम छड़ को डुबोए हैं, विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो और उस विलयन का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो विलयन और छड़ के मध्य विभवांतर को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। जैसे आइए हमने क्या लिखा है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के 1 मोलर यानी 1 m सांद्रता के विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के मध्य के विभवांतर
को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे ई नॉट से व्यक्त करते हैं। छात्रों आगे हम नन्नष्ट समीकरण पढ़ाएंगे जहां ई नॉट और ई से उसका संबंध बताएंगे, यानी इलेक्ट्रोड विभव का मानक इलेक्ट्रोड विभव से संबंध बताएंगे छात्रों। और इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड विभव में आप अंतर भी समझ गए होंगे छात्रों, ये एक लिमिटेशन के आधार पर होता है, अर्थात 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए विलयन का। तो इस प्रकार विभवांतर को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और IUPAC रिकमेंडेशन के अनुसार छात्रों मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, यह हम कह सकते हैं अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जैसे हमने इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के पढ़े, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो अपचयन वाले इलेक्ट्रोड विभव को ही इन्होंने मानक इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव को माना है, जबकि ऑक्सीकरण को नहीं माना है IUPAC ने, जबकि अमेरिकन पद्धति में ऑक्सीकरण विभव को इलेक्ट्रोड विभव माना गया है। किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव मानक ऑक्सीकरण विभव के समान होता है, परंतु चिन्ह विपरीत होते हैं, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो वही हमने छात्रों लिखा है, किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव मानक ऑक्सीकरण विभव का संख्यात्मक मान बराबर होता है, परंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। जैसे कापर का मानक अपचयन विभव, देखिए हम कापर को क्या लिखे हैं, अपचयन के प्रपोज लिखे हैं ई नॉट कापर आयन टू कापर में लिखे हैं, प्लस 0.34 वोल्ट है, यानी कापर का अपचयन विभव प्लस 0.34 वोल्ट है। और इसी का मानक ऑक्सीकरण विभव कितना हो जाएगा, ई नॉट कापर टू कापर आयनों में माइनस 0.34 वोल्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ धनात्मक था यहाँ ऋणात्मक, संख्या सेम है। तो चाहे जो कुछ भी हो छात्रों, अगर किसी का अपचयन विभव ऋणात्मक में है तो उसका ऑक्सीकरण विभव उसी वैल्यू का धनात्मक में हो जाएगी, तो चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा, बाकी वैल्यू में कोई भी अंतर मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव में कोई भी अंतर नहीं होता है। छात्रों आज हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली, अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे छात्रों सेल क्या होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत अभिनी सेल क्या है, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, वोल्टी गैल्वेनिक व डेनियल सेल क्या है, इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विचित्र के माध्यम से, वहाँ पर हम हर चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे छात्रों। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अगले लेक्चर में मिलिएगा छात्रों। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी छात्रों फॉलो कर लीजिए। छात्रों मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।